तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्नो चैंपियन टॉप चैनल में। दोस्तों यदि आपके मोबाइल में यह कैमरा है और आप इस कैमरे से फोटो खींचते हैं ना, तो आज ये गलती बिल्कुल मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मोबाइल कैमरे की एक ऐसा खुफिया ट्रिक बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप 100% चौंक जाएंगे और आप बोलेंगे कि साहिल भाई मोबाइल कैमरे से यह भी काम होता है, इसके बारे में तो हमें पहले पता चलना चाहिए था। दोस्तों सच बता रहा हूं, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो ट्रिक बताने वाला हूं, यह ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब आज तक किसी ने आपको नहीं बताया है और ना आपने कभी इस ट्रिक को सीखने की कोशिश की है। दोस्तों अगर जानना चाहते हैं कि मोबाइल कैमरे से इस ट्रिक का क्या कनेक्शन है, आप इस ट्रिक को किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, 3 से 4 मिनट का वीडियो बनेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो उस काम को साइड में रखिए, क्योंकि यह ट्रिक ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका। और आप अगर फोटो खींचते हैं ना, तो यह ट्रिक आपको जरूर से सीखना चाहिए। तो यहां पर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टेक्नो चैंपियन। दोस्तों यदि जानना चाहते हैं कि ये कौन सा ट्रिक है, तो उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। बस ये छोटे से काम करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आकर आपको एक कमेंट कर देना है। यहां पर आपको लिखना है नाइस कैमरा ट्रिक 2021। जी हां दोस्तों, आपको कमेंट में लिखना है नाइस कैमरा ट्रिक 2021। तो बस ये छोटे से काम कर लेना है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो ट्रिक है किस काम के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के अंदर एक छोटी सी ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो के जो टाइटल है इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और यहां पर मैं आपको इस ऐप का लिंक दे दूंगा। तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। ओके दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि हर एक ऑप्शन यहां पर आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है गैलरी नाम से, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको किसी भी एक फोटो को ले लेना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये फोटो है, तो मैं यहां पर इस फोटो को ले लेता हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस ट्रिक को आप किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई फोटो खींचा है और उस फोटो के पीछे कोई बंदा खड़ा हो गया, जैसे कि ये सब चीजें यहां पर मौजूद है। अब ये जो है आपके फोटो के जो लुक है उसे खराब करता है, आपके फोटो में वो जो खूबसूरती नहीं ला पाता है, क्योंकि ये सब चीजें ना, जो बदसूरत चीजें हैं वो आपके फोटो के पीछे आ चुका है। तो आप इस ट्रिक को यूज करके ना उन सभी चीजों को हटा सकते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं ब्रश का जो ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद यहां पर आपको ये सभी चीजें जो देखने को मिल रहा है आपको कुछ इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेना है फटाफट से। जैसा कि यहां पर मैं इसे जो है सेलेक्ट कर लेता हूं, तो कुछ इस तरीके से आप भी इसे जो है सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों आप इसे पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ना कुछ इस तरीके से, तो उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसेस नाम से, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों वो सभी चीजें यहां से गायब हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं। दोस्तों कोई भी चीज अगर आपके फोटो के पीछे है और आप उसे अगर हटाना चाहते हैं, तो आप इस ट्रिक की मदद से हटा सकते हैं, इस ऐप की मदद से हटा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पीछे और भी कई सारी चीजें हैं, जैसा कि यह बंदा खड़ा है, तो अगर आप इसे हटाना चाहते हैं ना, तो यहां पर आपको ब्रश के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको उस बंदे को यहां पर जब पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो उसके बाद यहां पर आपको प्रोसेस का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो जो बंदा होगा वो वहां से हट जाएगा, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। तो काफी अच्छी ऐप है दोस्तों, आप इस ऐप की मदद से ना अपने फोटो के पीछे जितने भी चीजें हैं आप उसे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं और आपके पीछे कोई भी अनवांटेड चीज आ जाता है, तो आप उसे जो है इस ऐप की मदद से हटा सकते हैं, जो कि आपके फोटो को बहुत ही कमाल का लुक देता है। तो अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।